श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 17। इससे पहले हमने देखा था कि जो सत्य है वह सदा सत्य ही रहता है और उसकी सदैव सत्ता होने के कारण ही वह सत्य है। तो वह सत्य क्या है, वो क्या वस्तु है, उसको बताने के लिए भगवान आगे का श्लोक कह रहे हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि एन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। तो कह रहे हैं अविनाशी तु तद्विद्धि। तो अविनाशी शब्द का अर्थ है जिसका विनाश होने का स्वभाव नहीं है, वह वस्तु अविनाशी है, जो सदैव रहने के स्वभाव वाली है, जो सत स्वभाव वाली है, वह वस्तु अविनाशी है। तू तद्विद्धि, तो तद से वह सत लिया है, तो वह सत अविनाशी तुम जानो, ऐसा कह रहे हैं। उस सत को तुम अविनाशी जानो। तो वह सत्य क्या है जिस सत्य को हम अविनाशी जाने, तो एन सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड आच्छादित है, व्याप्त है, उसको तुम सत्य जानो। जैसे आकाश के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है, उसी तरह से उस सत्य के द्वारा आकाश सहित संपूर्ण अस्तित्व व्याप्त है, तो उसको तुम सत्य जानो, जो सबका कारण है, जिसके होने से सब कुछ है, उसको तुम सत्य जानो, ऐसा कह रहे भगवान। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, तो बोल रहे हैं कि उस अव्यय का विनाश कोई भी नहीं कर सकता है, ऐसे कह रहे हैं। तो विनाशम शब्द का अर्थ है अदर्शनम अभावनम, जिसका कभी भी अदर्शन नहीं होता है, जिसका कभी भी विस्मरण नहीं होता है, वह चीज़ क्या है, विनाशम, उस चीज़ का कभी भी विनाश नहीं होता, जो चीज़ नित्य दर्शन, जिसका नित्य हमें दर्शन होता है, जिसका नित्य हमें अनुभव होता है, वह चीज़ क्या है, अविनाशी है, और जिसका कभी भी अभाव नहीं होता, वह चीज़ अविनाशी है। तो ऐसा क्या है जिसका कभी भी अभाव नहीं होता और जिसका कभी भी अदर्शन नहीं होता, तो ऐसी वस्तु वह हम स्वयं ही है, हम स्वयं आत्मा ही है, जिसका कभी भी अभाव या अदर्शन नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता है जिस समय हमें हमारा अनुभव नहीं होता, हमें सदैव अपना अनुभव होता रहता है, और यही हमारा दर्शन है, और हमारा अभाव हमें कभी भी महसूस नहीं होता। जन्म से लेके आज तक हमें ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस समय हमें लगा कि मेरा अभाव था, हमें हमारा कभी भी अभाव महसूस नहीं होता है, इसलिए हम ही वह चीज़ है जिसका आदर्शन या अभाव नहीं होता है। तो आगे कह रहे हैं अव्ययस्य, तो वह अव्यय क्या है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो कभी घटता बढ़ता नहीं है, वह अव्यय होता है, क्योंकि जो घटता है जो बढ़ता है वह विनाशशील है। तो आप ये कह रहे न एतद् सदाख्यम ब्रह्म स्वेन रूपेण वेत्ति, और यह सदाख्य ब्रह्म जो है स्वयं के रूप से भी इसका कभी व्यय नहीं होता है, व्यभिचार नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, निरवयवत्वात्, क्योंकि एक ऐसा है निरवयव है। हमने देखा है जो चीज़ नष्ट होती है वो सावयव होती है, जैसे शरीर नष्ट होते हैं, ये क्या है, ये सावयव है, परंतु आकाश इसका कभी भी विनाश नहीं होता, क्यों विनाश नहीं होता, क्योंकि ये निरवयव है, क्योंकि एक ही चीज़ है, और शरीर नष्ट क्यों होते हैं, क्योंकि ये सावयव है। जैसे मनुष्य का विनाश क्यों होता है, क्योंकि उसके अवयव
खराब हो जाने से, अवयव कमज़ोर पड़ जाने से, जैसे किसी का हृदय कमज़ोर हो जाता है, किसी की किडनी कमज़ोर हो जाती है, किसी का ब्रेन कमज़ोर हो जाता है, किसी के घुटने खराब हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ बॉडी का पार्ट खराब होता है, तभी व्यक्ति का विनाश होता है। ऐसे ही अपने आप व्यक्ति का विनाश नहीं होता है। तो अवयव का जब नाश होता है, अवयव के नाश होने से ही अवयवी का भी नाश हो जाता है। तो इस आत्मा का कोई अवयव ही नहीं है तो इसका नाश होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो आगे कह रहे हैं, नपि आत्मीयेन आत्मीया भावात्। और कह रहे हैं कि उस आत्मा की ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जिसका विनाश हो जाने से उसका विनाश हो जाए। जैसे हम लोग में देखते हैं, जैसे कोई किसी व्यक्ति का धन नाश हो जाए तो वो कहता है कि अरे मैं तो मर गया, मेरा यह धन चला गया, मेरी संपत्ति चली गई, मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया था। परंतु ऐसी आत्मा की कोई निजी वस्तु भी नहीं है जिसका नाश होने से उस आत्मा का नाश हो जाए, उसको शोक हो, उसकी ऐसी कोई वस्तु नहीं है, इसलिए उसका उस तरह से भी नाश नहीं होता है। अतः अव्ययस्य अस्य ब्रह्मणो विनाशम न कश्चित कर्तुम अर्हति। और इसलिए उस ब्रह्म का, उस अव्यय ब्रह्म का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। न कश्चित आत्मानम विनाशयितुम शक्नोति ईश्वरपि। और कह रहे हैं कि उस आत्मा का कोई भी विनाश नहीं कर सकता, स्वयं ईश्वर भी विनाश नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आत्मा ही ब्रह्म आत्मनि च क्रिया विरोधा। कह रहे आत्मा ही ब्रह्म, वह अविनाशी। क्या अविनाशी? जिसका कभी भी अदर्शन या अभाव नहीं होता है। वह क्या है? वह हम स्वयं है। और वह हम स्वयं क्या है? वही आत्मा है। और जो आत्मा है वही ब्रह्म है। और यह ब्रह्म ही सोपाधिक रूप से ईश्वर है। और ईश्वर कभी भी उस आत्मतत्व का, उस ब्रह्म तत्व का विनाश नहीं कर सकता, मतलब स्वयं का ही विनाश नहीं कर सकता है। और इसीलिए कह रहे हैं कि वह कैसा है? अविनाशी है। क्योंकि स्वयं का इसलिए विनाश नहीं कर सकते क्योंकि स्वयं में क्रिया का अभाव है। क्रिया के लिए कारक चाहिए ना, मतलब भिन्न भिन्न वस्तुएं चाहिए, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान आदि कारकों के बिना क्रियाएं नहीं होती है। तो जब ये ब्रह्म केवल अकेला ही है, स्वयं ही है, तो क्या क्रिया हो? कोई क्रिया, क्योंकि कारकों का अभाव होने के कारण क्रिया का भी अभाव हो जाता है। और क्रिया का अभाव होने के कारण ना वो स्वयं को उत्पन्न कर सकता है, ना वो स्वयं को नष्ट कर सकता है। जैसे आकाश ना स्वयं को उत्पन्न करता है, ना स्वयं का नाश करता है। संसार की कोई भी चीज़ ना स्वयं को उत्पन्न नहीं कर सकती, ना स्वयं का विनाश कर सकती है। इसी तरह से वह ब्रह्म भी ना स्वयं को उत्पन्न करता है, ना स्वयं का विनाश करता है। तो वह क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है, वह सदैव रहता है।